झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट, लाखों अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि रिजल्ट को लेकर के अभी आधिकारिक रूप से कोई भी घोषणा नहीं की गई है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रिजल्ट कभी भी जारी कर दी जाएगी, इसलिए आप सभी अभ्यर्थी JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.jssc.nic.in पर विजिट करते रहे। साथ ही खबर की बात करें तो ये आज का न्यूज है कि 23,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री नीरज यादव ने ये बातें बोकारो में कही है। झारखंड में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द ही दूर की जाएगी, इसके लिए राज्य भर में 23,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। आपको बता दें यहाँ पर यह भी जानकारी दी गई है कि राज्य के स्थापना दिवस पर राज्य के सभी जिलों में 2,000 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। हालांकि किस आधार पर राज्य के सभी जिलों में 2,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, इसका आधार यहां पर जानकारी में स्पष्ट नहीं दी गई है कि TGT PGT मिला करके या फिर TGT PGT और JTET की परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को मिला करके 2,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन सभी जिला में 2,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, इसकी बात कही जा रही है। हालांकि टोटल 23,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए, ये सभी बातें शिक्षा मंत्री नीरज यादव ने हिंदुस्तान से बातचीत के दौरान ये बातें कही। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि बोकारो में ही नहीं पूरे राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। हालांकि सर्वे के बाद शिक्षकों को खाली पड़े पदों पर नियुक्ति किया जाएगा ताकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। फाइनली आप सब देख सकते हैं कि नीरज यादव का एक बार फिर से बयान आ चुकी है कि उनका कहना है कि 23,000 शिक्षकों की जल्द बहाली की जाएगी, यानी कि 15 नवंबर तक 23,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो दोस्तों इस अपडेट में बस इतना ही। रिजल्ट की बात करें तो TGT अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार करें। आप सभी अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.jssc.nic.in पर विजिट करते रहे। रिजल्ट कभी भी जारी हो सकते हैं।